This is ta-ta-ta time. दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, स्पेशली जो सर्दियों में पतंगबाजी करते हैं और जहाँ पे सर्दियों में पतंगबाजी होती है, वन ऑफ द आइडल डोर जिसका मैं आज रिव्यू करूँगा सर्दियों के लिए। तो ये मतलब जितनी सर्दी पड़ेगी ना उतना इस डोर का रिस्पॉन्स अच्छा हो जाएगा। मतलब जो इसमें डोर है ना, मतलब मैं आपको डोर की क्वालिटी निकाल के दूँगा और वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड डोर है मेरी तरफ से सर्दियों के लिए। जैसे जयपुर में भी अब पतंगबाजी शुरू हो चुकी है और जहाँ जहाँ भी पतंगबाजी शुरू हो चुकी है, चाहे मैदान की हो चाहे छतों की हो, 1-2-3 की डोर और जो इसके रिस्पॉन्स है, मतलब कहते हैं ना कि आले दर्जे की डोर है दोस्तों, आले दर्जे की। तो पूरा वीडियो देखिए, क्वालिटी बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है पतंगबाजी? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया मौज ले रहे हैं दोस्तों। ऐसे मैंने बोला कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और जिस मांझे का आज हम रिव्यू करेंगे, विच इज़ नसीम भाई का है, 1947 इंडियन ब्रांड है ये उनका। और सर्दियों के लिए मैं कहता हूँ कि ना गर्मियों की हम बात नहीं करेंगे, सर्दियों के लिए मतलब जो चाहिए होती ना, एक होता है कि चढ़ी हुई डोर, उस पे धार आती है, ये चढ़ी हुई भी नहीं है लेकिन जो इसकी धार है ना, इसकी धार का मुकाबला भाई साहब अच्छी अच्छी डोरों से नहीं हो पाएगा। और जो प्राइस रेंज में ये डोर है ना, उसका तो मैं आपको क्या ही दूँ। मैं कहता हूँ कि गारंटीड एंड रिकमेंडेड डोर है सर्दियों के लिए। और मैदान से लड़ाओ, छतों से लड़ाओ, खींच के लड़ाओ, फंसा के, जितना ज़्यादा जाड़ा, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतने इस डोर के रिस्पॉन्स ज़्यादा होते जाएंगे दोस्तों। ये उस तरीके की डोर है, स्पेशली सर्दियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट डोर। जैसे कोलकाता का वेदर भी नमी वाला, तो वहाँ के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट डोर। और प्राइस बहुत ही सस्ता, मतलब कहते हैं ना कि चीज़ है, मतलब तेज धार जो होती है ना, तेज धार एक छोटा वर्ड है, मतलब कहते हैं ना कि कसूती धार है भाई, कती एकदम कैडी वाली धार है भाई साहब, वो चीज़ है। तो जल्दी से करते हैं इसका रिव्यू स्टार्ट और स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे, जहाँ इसका नाम है पतंगबाजी विद सनी, जहाँ पे रिव्यूज़ होते हैं अच्छे मांझों के, अच्छी पतंगों के, और डिस्कस होता है मांझे और पतंगों के बारे में। एंड हम सपोर्ट नहीं करते हैं चाइनीज़ मांझे को। तो दोस्तों बात हो रही थी सर्दियों की, अपने यहाँ भी सर्दी आ चुकी है, मौसम चेंज हो चुका है लेकिन हवा नहीं निकल रही है। बल्कि आज मंगलवार है तो आज हवा बड़ी अच्छी है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से इतना परेशान है, ग्राउंड जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं, मतलब 5 की हवा, 6 की हवा, और शाम तक तो बिल्कुल मर जाती है, मतलब पतंग उड़ना भारी हो जाती है। तो थोड़ा सा ना पतंगबाजी थोड़ी ढीली हो रखी है, और छतों की पतंगबाजी हमारे यहाँ पर गर्मी में होती है तो वैसी छतों की हो नहीं पा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, बड़ा मतलब ना अजीब सा हो रहा है। होपफुली इस संडे को अच्छी हवा निकले तो हम संडे को पतंगबाजी खुल के करेंगे। आप बताइए आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, जयपुर का माहौल कैसा है? जयपुर में तो बढ़िया पतंगबाजी पहुँच गई होगी, भाई साहब उड़ रहे होंगे वहाँ पर छतों पर, आजकल मौसम चल रहा है और जहाँ जहाँ भी मतलब पतंगबाजी हो रही है ना, आई होप कि वहाँ पर हवा चल रही हो और अच्छी पतंगबाजी हो रही हो। तो दोस्तों मैं आपसे बात करता कि एक मांझा है नसीम भाई, इनका पहले भी मैं ब्लॉग का आपके लिए कर चुका हूँ, रिव्यूज़ काफ़ी इनका लच्छी का मांझे का सबका, और मतलब प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा है एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। तो आज भी एक उन्हीं का ब्लॉग है, 1947 मांझा। ओह भाई साहब जब ये मांझा आया था ना, आई अनबिलीवेबल, और जो इसका रिस्पॉन्स आया, जिसको भी दिखाया है सब ने तारीफ़ करी है कि भैया बहुत कम होती है जो चढ़ी हुई डोर भी ना और ऐसी धार बन जाए और काम करे, मतलब जाड़े के हिसाब से बनी परफेक्ट, कहते हैं ना एकदम, जिसमें से आप ना कमी निकाल ही सकते हैं, मतलब 100/100 नंबर वाली डोर है ये, समझ गए ना भाई साहब, 100/100 नंबर मिलेंगे इस डोर को, वो डोर है ये। करते हैं इसको अनरैप, दिखाएंगे आपको डोर और दिखाते हैं इसकी क्वालिटी और क्या धार है इसकी। बोल रहा हूँ बार बार, सर्दियों के लिए अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो हटा दिया है, कुछ इस तरीके से आता है रैपर जिस पे लिखा हुआ 1947 इंडिया, 8009 मतलब 1-2-3 की डोरी है ये, 8/33 लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर विच इज़ 96901। ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। बाय करने का प्रोसेस ट्रैक मेकर से बाय कीजिए, जेन्युइन है, मैं बहुत चरखियाँ बाय कर चुका हूँ, आज तक टाइम पे ऑर्डर लगाते हैं, बढ़िया माल लगाते हैं। अब दिखाते हैं आपको डोर,
तो चरखी कुछ इस तरीके से आई थी, जैसे NAM लिखा हुआ आता है, ये मोस्टली लगा के भेजते हैं अपना स्टिकर, आप देख सकते हैं अच्छी चरखी है, भाई चरखी है, दो रील के आसपास ये यूज़ हो चुका है हमारा। और अब ये देखिए आप, ये है काला कलर, आप देख सकते हैं रंग निकल चुका है, माफ़ी चाहूँगा कि इसके पड़े हैं रैपर मेरे, ऐसे ही निकलते थे बाहर स्टिकर, बिल्कुल सेम रैपर निकलता है, 1947 123 की डोर है ये। दोस्तों मैं बात करता है सर्दियों के लिए, सर्दियों के लिए डोर चलती है जो तेज़ धार हो, क्योंकि मुलायम डोर सर्दी में थोड़ी सी कम पड़ जाती है क्योंकि नमी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में बढ़िया डोर चलाई जाती है जिसमें धार ज़्यादा होती हो। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने काफ़ी सही सर्दियों की डोर की, वो भी अच्छी डोर है, बट एक होता ना कि मतलब कुछ आपको अच्छा मिल जाए तो डेफिनेटली आप उसकी तारीफ तो करोगे करोगे। तो ये नसीम भाई ने स्पेशल भेजी सर्दियों के लिए, आप डोर से देखते हो बारीक डोर है, चढ़ी डोर नहीं बोलूँगा, मतलब मैं कहूँगा ना कि बहुत चढ़ी डोर जैसे होती है वो नहीं है, कि कांटे में क्या होता है कि लोग चढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, ये चढ़ी डोर नहीं है दोस्तों, लेकिन इसकी जो धार है, मतलब इसको आप कांटा पकड़ोगे ना हाथ में, जब आपके हाथ में जो इसका मतलब कहते हैं ना कि वो खुदरापन, जो मतलब कांच जो कांटे की फीलिंग आएगी, और जो उसके साथ कहोगे भाई मोटी डोर भी नहीं है बारीक डोर, इतनी खुदरी कैसे बना दी, तो ये तो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये भाई सब एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप देखिए आपके सामने दिख रही है, बट ये धार है, इसमें शार्पनेस का नाम नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, बट इसमें कांटा भी ऐसा दिया है कि हाथ रुकेगा नहीं, एक होता है ना कि कांटा बहुत हाथ रुकता है अटकता है, आपको कांटा फील होगा बट वो रुकेगा नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों आपको भी बता रहा था कि इसमें जो कांटा है, मतलब आपको पूरी फीलिंग आएगी कांटे की, बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन जब आप इस पर हाथ डालोगे ना, आपको कांटा फील हो रहा है लेकिन वो कांटा अटकने वाले ना, चढ़ी डोर में जैसे हाथ को वो रोकता है, ये वो वाला रोकने वाला नहीं है, स्मूथनेस नहीं है लेकिन कांटा है फुल ऑन, लेकिन जो सुताई है ना बहुत ही अमेजिंग सुताई है, मतलब एक फील देगी कि आपको ना कि प्रीमियम, मतलब कांटे वाली प्रीमियम सुताई है, लेकिन चढ़ी डोर नहीं है बारीक डोर। और सर्दियों के लिए ऐसी डोर बहुत कामयाब है, और जितनी सर्दी बढ़ेगी कांटे में उतना असर आएगा, उतना बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा आपका ये, तो मतलब जैसे जाड़े का टाइम सर्दियों का टाइम है, तो भैया जैसे जैसे दिसंबर बढ़ेगा सर्दी बढ़ती जाएगी, तो उसके लिए वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल है दोस्तों, ये वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल है। आप इसी डोर, मतलब इसी क्वालिटी के अंदर उनसे हैमर की और रॉकेट की डोर भी लगवा सकते हैं सर्दियों के हिसाब से, हम उनको बोल देंगे कि हमें 1 2 3 की चाहिए तो 1 2 3 पे लगा देंगे, अगर आप उनको बोलोगे कि हमें सेम में हैमर या रॉकेट चाहिए तो सेम में हैमर और हैकेट भी लगा देंगे, सेम काइंड ऑफ क्वालिटी में, कि भैया हमें सर्दियों में यूज़ करनी है तेज धार की डोर, वो बना के देंगे आपको, मेरी बात हुई थी। बट इवन ये भी 1 2 3 की डोर है, इसको छतों पर आप उड़ा दीजिए, जिस तरीके इसकी धार है ना बहुत अच्छे रिस्पॉन्स करेगी करेगी। अब बात करते हैं इसकी धार के साथ साथ कि किस रेंज पे जाएगा, आराम से 700-800 मीटर पे आप इसको बिना मतलब आँख बंद करके ले जाइए, आराम से लेके जाएगा, पेच फंसेगा इसके ऊपर, आराम से काटेगा ये बहुत बढ़िया। और प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों पड़ेगी ये आपको 1800 रुपये की डोर, लेकिन सर्दियों के लिए 1800 में, अगर मैं बात करूँ मेरी पुरानी और नई चरखियों की जो भी आने वाली है, मे बी नई में कुछ मुझे नया मिले, लेकिन जो पुरानी मैंने अभी तक करी है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट डोर है इस प्राइस रेंज के अंदर, ऐसी क्वालिटी भाई साहब कहते ना कि ज़बरदस्त गड्ढा खोद क्वालिटी है भाई, मतलब होता ना कि चीज़ मिली है ऐसी तो बनती भी है बताना आपको। तो ये नसीम भाई की करामात है जो इतनी बढ़िया चीज़ भेजी है उन्होंने हमें, और तारीफ़ करते हुए कोई तारीफ़ के वर्ड मतलब ख़त्म हो जाएंगे वर्ड्स, लेकिन इसकी तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी, प्राइस वाइज क्वालिटी वाइज हर जगह पे जाके ये डोर आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी, और ख़ासकर जहाँ पे सर्दियाँ हैं वहाँ पे इस डोर को पक्का ट्राई कीजिए, रिजल्ट मिलेंगे बहुत ही उम्दा आपको। वीडियो करते हैं यहीं पर रैप अप, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, थैंक।